हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। मैं हूं प्रफुल्ल और दोस्तों आज मैं कवर कर रहा हूं इंडियन प्रीमियर लीग जो 26 मार्च से शुरू हो रही है, पहले मैच को चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों दोनों ही टीम में अभी तक का जो समीकरण रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स काफी टॉप पे रही है और बड़ा डिफरेंस है दोनों टीम्स के बीच में हार और जीत का। लेकिन इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ये जो नया सीजन है, आखिर कौन सी टीम जीत के साथ यहाँ पर शुरुआत करने वाली है, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस मैच में खेलने वाले हैं, की प्लेयर्स कौन से बन सकते हैं जो कि धमाकेदार परफॉर्म करेंगे, और आखिर कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो कि टीम को थोड़ा सा नीचे खींचने वाले हैं। इन सभी बातों पर हम फोकस करेंगे आज के इस प्री मैच एनालिसिस में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर सम टाइम। भैया यहाँ पर एक और नई चीज दोस्तों शुरू हो रही है, आईपीएल बोनांजा शुरू होने वाला है। अब वो क्या है उसके बारे में भी आपको बीच में बताऊंगा, एक सवाल पूछा जाएगा वो भी जिसका जवाब आपको देना होगा, और सही जवाब आप देते जाएंगे तो आपको भी कोई ना कोई प्राइज मिलता ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की, बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। दोस्तों चेन्नई और कोलकाता के बीच अभी तक टोटल 28 मैचेस खेले गए हैं, जहां 18 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहे हैं और 9 मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं। ये जो डिफरेंस है जस्ट डबल का है, और यहाँ पर लास्ट 4 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रहे हैं। तो यानी कि हाल फिलहाल चेन्नई की पकड़ मजबूत नजर आती है, और ऐसे में क्या श्रेयस अय्यर जो कि नए कप्तान होंगे वो सुपर किंग्स को हराने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आइए नजर डालते हैं अब वेन्यू पर। दोस्तों वानखेड़े का मैदान है जहां पर ये ओपनिंग मैच होने वाला है। 83 मैचेस टोटल T20 यहां पर खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 40 टाइम्स जीती है और रन चेस करने वाली टीम 43 टाइम्स जीती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 167 रन्स। हाईएस्ट स्कोर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 235 रन्स फॉर 1 विकेट, और लोएस्ट स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स का 67 रन्स फॉर 10 विकेट। अब दोस्तों यहां पर जो सवाल आता है वो ये कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस ट्रैक पर 235 का रन किस मैच में बनाए थे और किसके खिलाफ बनाए थे, कौन था हाईएस्ट रन स्कोरर, इसका जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आईपीएल बोनांजा क्या है। भाई आपसे पूछे जाएंगे हर वीडियो में सवाल, पूरे आईपीएल के प्री मैच एनालिसिस जितने भी होंगे उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपको बस उसका सही सही जवाब देते जाना है और आपको मिलते जाएंगे प्राइजेस। अब इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आप पहली चीज आप होने चाहिए हमारे सब्सक्राइबर, दूसरा हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वहां भी आप हमें फॉलो जरूर करिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टेंट अपडेट्स हम ऑलवेज प्रोवाइड करते रहते हैं। प्लस अब यहाँ पर बात आती है कि जो जितने ज्यादा सही जवाब देगा एट दी एंड उसे मिलेगा सबसे बड़ा प्राइज। यानी कि रेगुलर वीडियोस में तो आपको प्राइजेस मिलेंगे ही, लेकिन जितने ज्यादा सही जवाब देंगे बड़ा प्राइज आपका फाइनल मैच के बाद वेट जरूर करेगा। तो दोस्तों सवालों के जवाब जरूर दीजिए, बताइएगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस मैच में 235 रन बनाए थे, किसके खिलाफ बनाए थे वानखेड़े स्टेडियम में। मूविंग ऑन टू द स्कोरिंग पैटर्न, दोस्तों 150 के नीचे का स्कोर 21 बार बनाया गया है, 150 के ऊपर का स्कोर 47 टाइम्स बनाया गया है, और अबव 190 का स्कोर 15 बार बनाया जा चुका है। तो ये है अभी तक वेन्यू का समीकरण, जहां पर भाई टॉस जीतकर शायद पहले कैप्टन बॉलिंग करना पसंद करेंगे, देखेंगे कि आखिर पिच किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली अब टॉस जीतने के बाद अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बैटिंग करती है तो भाई ये मैच वो जीतने की दावेदारी पेश करती नजर आ सकती है। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम पहले बैटिंग करने वाली है, जवाब जरूर दीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द टीम्स, बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई अगर हम इनके दोस्तों लाइनअप कॉल करें तो मोइन अली ने ताजा झटका दिया है कि वो अभी हाल फिलहाल कुछ मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनकी जगह अब कौन से प्लेयर यहां पर हमें टॉप ऑर्डर में खेलते नजर आएंगे उस पर बात करते हैं। स्टार्टिंग में तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड और डेवोन कॉनवे दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं, इन दोनों की जोड़ी सीएसके के लिए फायदेमंद हो सकती है। नाउ तीसरे नंबर पर रॉबिन उथप्पा ने अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, और एक बार फिर उन पर भरोसा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी, और उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ये हमें मिडिल ऑर्डर संभालते नजर आएंगे। धोनी इस बार में भी हो सकता है थोड़ा नीचे खेलें और अपने से ऊपर शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा को मौका दें। अब नीचे अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें दोस्तों तो यहां पर ड्वेन ब्रावो मौजूद हैं, क्रिस जॉर्डन मौजूद हैं, एडम मिलने को टीम खिलाएगी, और वहीं पे अगर हम देखें तो तुषार देशपांडे या फिर प्रशांत सोलंकी, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर प्लेइंग 11 में हमें खेलता दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तो है प्लेइंग 11। अब आ जाते हैं की प्लेयर्स की ओर कि आखिर कौन से प्लेयर्स इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
शुरुआत करते हैं ऋतुराज गायकवाड से। भाई एज एन ओपनर ये शानदार परफॉर्म कर सकते हैं, 22 मैचेस उन्होंने आईपीएल में खेले हैं, लास्ट ईयर इनका शानदार गया था और उसके बाद अगर हम इस सीजन की बात करें तो एक बार फिर सभी को इनसे अच्छी उम्मीदें होंगी कि ये पॉजिटिव रहें और अच्छा रन स्कोर करें। इसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों डिवोन कॉनवे ने अभी तक आईपीएल में तो मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन जितना भी उनका T20 ये फटाफट फॉर्मेट का उनका एक्सपीरियंस है वो डिसेंट रहा है। 20 मैचेस में इन्होंने 602 रन बनाए हैं 139 के स्ट्राइक रेट से। अब आईपीएल में ये कैसा करते हैं, क्या ये एक्स फैक्टर हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, ये देखना होगा दिलचस्प। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, रॉबिन उथप्पा ने दोस्तों अच्छा परफॉर्म किया था तो एक बार फिर उनपे दारोमदार होगा कि भाई वो एक बार फिर आगे बढ़कर टीम को सपोर्ट दें और अच्छा परफॉर्म करें। ओवरऑल अगर हम इनके स्टैट्स की बात करें, 193 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 4722 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130। तो दोस्तों ये तो है तीन बल्लेबाज। अब आते हैं ऑलराउंडर्स पे, रविंद्र जडेजा तो भाई पीक पे चल ही रहे हैं, एक बार फिर वो टेस्ट रैंकिंग पे भी नंबर वन पे आ चुके हैं और रही बात T20 फॉर्मेट की तो यहाँ भी उनका मुकाबला भाई नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो 200 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 2386 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 128 और 127 विकेट भी इनके खाते में है। बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की और वो है ड्वेन ब्रावो। दोस्तों एज फैक्टर डेफिनेटली ब्रावो को पकड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कई बार संकट मोचन का काम किया है और टीम को सफलताएं दिलाई हैं, तो इनका अच्छा परफॉर्म करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके स्टैट्स पर अगर हम गौर करें तो 151 मैचेस में 1537 रन बनाए हैं, 130 का स्ट्राइक रेट रहा है और 167 विकेट्स इनके खाते में आए हैं। तो दोस्तों ये है पूरा चेन्नई सुपर किंग्स का समीकरण। चलिए पढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स पर। तो जहां तक बात है कोलकाता नाइट राइडर्स की तो यहां पर भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। एरन फिंच टीम में लाए गए हैं तो टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा और मजबूत होता है, हालांकि एलेक्स हिल्स नो डाउट धमाकेदार बल्लेबाज हैं, उनके कंपैरिजन में एरन फिंच हाल फिलहाल उतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं दिखे हैं, तो डिपेंडेबल है या नहीं ये देखना होगा दिलचस्प और क्या कोलकाता नाइट राइडर्स इन्हें रास आएगी ये देखना होगा दिलचस्प। टॉप ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर एरन फिंच हमें दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर नीतीश राणा शेल्डन जैक्सन यहां तक हमें डिसेंट बल्लेबाज नजर आते हैं, आंद्रे रसल और सुनील नारायण ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं गेंदबाज हैं ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इन दोनों का प्लेइंग 11 में होना ही कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ बनती है भाई। तो दूसरी तरफ अगर हम मेन स्ट्रीम बॉलर्स की बात करें दोस्तों तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, काफी कम समय में इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है और कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में अहम भूमिका निभाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जगह बनाई है। पैट कमिंस शिवम मावी और उमेश यादव ये तिगड़ी होगी जो कि पेस अटैक संभालेगी। अब आते हैं इनके की प्लेयर्स पर। दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो टॉप ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर हमारी पहली पसंद होंगे, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म ये करते आ रहे हैं और जिस हिसाब से इनके स्टैट्स हैं वो शानदार है और अच्छा परफॉर्म ये करते एक बार हमें डेफिनेटली दिखाई देंगे। एरन फिंच के दोस्तों अगर हम स्टैट्स की बात करें, 87 मैचेस में 2005 रन बनाए हैं इन्होंने 127 के स्ट्राइक रेट से। अब फिंच नो डाउट कभी भी बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छे डिपेंडेबल बल्लेबाज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और कई बार अहम भूमिका निभाई है आईपीएल के कुछ मैचेस में, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे या नहीं। अब आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर पे। भाई इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को संभाला था काफी आगे तक लेके गए थे, काफी कमेंडेबल रहा है और ऐसा ही एक बार फिर हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए देखने को मिल सकता है। दोस्तों स्टैट्स की बात करें तो 87 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 2375 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 124। तो ये एक ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो कि मिडिल ऑर्डर या फिर थर्ड नंबर पोजिशन ये संभालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। नाउ बात करें अगर बॉलर्स की तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसे स्पिनर हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए परेशानी खड़ी करते नजर आएंगे, 31 मैचेस में इन्होंने 36 विकेट निकाले हैं, इकॉनमी रहती है 6.82 की। वहीं इन्हें सपोर्ट अच्छा मिल सकता है पैट कमिंस का जिन्होंने 37 मैचेस में 38 विकेट्स निकाले हैं, 8.23 की इकॉनमी रही है। हालांकि ये स्टैट्स बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन कमिंस गेंदबाजी के साथ साथ बल्ले से क्या कमाल दिखा सकते हैं ये हमने लास्ट ईयर आईपीएल के फर्स्ट फेज में हमने देखा था। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स डिसेंट टीम नजर आती है और यहां पर अब आके जब वो लास्ट चार मैचेस हारे हैं चेन्नई के अगेंस्ट ये जो प्रथा चलती आ रही है यहां पर केकेआर एक फुल स्टॉप लगाएगी अपने पहले मैच में। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है हमें बताएं। दूसरा सवाल, कौन सा बल्लेबाज इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाएगा उस बल्लेबाज का नाम साथ में दें। और तीसरा सवाल, कौन सा गेंदबाज यहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। अगर कोई दो गेंदबाज
लाइक फॉर एग्जाम्पल तीन तीन विकेट ले रहे हैं तो इकोनॉमी के तौर पर कौन सा बेहतर होगा वो ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये है वो तीन सवाल जिनका जवाब आपको देना है और हम उम्मीद करेंगे कि इस पहले ही मैच में आप में से कोई ना कोई लकी विनर बन जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।